आज के 22 दिसंबर की शुरुआत में आप सबका स्वागत है। परमात्मा पिता फिर से हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने साथ संतुष्ट रहें, औरों के साथ संतुष्ट हों। इंसान आज सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं है, वो ये देख रहा है कि हम कैसे मंगल ग्रह पे पहुंच जाएं। लेकिन आप सोचिए जरा, मंगल ग्रह में जाकर के मंगल होगा कि अभी मंगल हो हमारे जीवन में, तो फिर मंगल ग्रह में जाने की जरूरत ही क्या है। जीवन अभी ही मंगल होना चाहिए, जीवन अभी ही सफल होना चाहिए, तो इधर उधर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। परमात्मा कहते हैं इसी तरीके से हमें अपने साथ संतुष्ट और औरों के साथ भी संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और मुख्य चीज़ है, जब हमारे अंदर दिव्यता, हमारे अंदर इच्छाएं कम हो जाती हैं, तब हम अच्छे बनने शुरू होते हैं। लेकिन जितनी आप इच्छाएं रखोगे, उतना क्यों नहीं किया, कैसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं वैसे, इन सारी चीज़ों में हम फंस जाते हैं। तो इसलिए देखें परमात्मा कहते क्या है। परमपिता कहते हैं कि संपर्क संबंध में आते हैं, किसी के साथ में आप संपर्क संबंध में आते हो, चाहे आप बिजनेस में, चाहे जॉब में, चाहे अपने घर में, चाहे पड़ोसी के साथ आते हैं। सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले, खुद भी संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले, गुप्त पुरुषार्थी भवा। अगर हम किसी और की गलतियां, किसी और के अंदर की खामियां, कमजोरियां देखेंगे आजू बाजू वालों के भी, तो हम कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर कचड़ा, या कहें कीचड़, या कहें अपवित्रता, या कहें बदबूदार सोच, वो हमारे अंदर चलते से या चलते रहने से हमारी संतुष्टता हम खुद ही खत्म कर देते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं संगम युग संतुष्टता का युग है। ये जो संगम युग चल रहा है, जहाँ पे हमें परमात्मा सारे राज बता देते हैं कि इंसान जो प्लान करता है और जो परमात्मा का प्लान है, वो कैसे कितना अंतर है उसमें, जमीन आसमान का अंतर है। कलयुग में इंसान सोच रहा है कि हम टेक्नोलॉजी या हम बहुत सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स के द्वारा, हम हाईटेक होने के द्वारा हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, लेकिन वहीं पर दूरियां इंसान के अंदर की मोहब्बत, खुशी, शांति, संतुष्टता उतनी कम होती जा रही है, क्योंकि आत्मा भौतिकता में बहुत चली जा रही है। और जैसे ही आत्मा भौतिक चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होकर के सुख, खुशी और आनंद ढूंढने शुरू करती है, उतना ही वो अपने से दूर और अपने आप को खोना शुरू करती है, विलीन हो जाती है, लीन हो जाती है। परमात्मा के प्रेम में लीन होने की जगह वो पांच तत्वों में लीन हो जाती है आत्मा की शक्तियाँ, जहाँ फिर उसको स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन होता है, और ना वो खुद संतुष्ट और ना औरों को संतुष्ट कर पाती है, क्योंकि वही एनर्जी औरों को देती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। यही तो समय है जब परमात्मा ने सारे राज बता दिए कि आगे होने के वाला, उसके हिसाब से हमें सारे प्लान बनाने हैं अपने जीवन के, कितना हमें औरों को परमात्मा से जोड़ना है, हमें आगे सेवाएं कैसे करनी है, हर चीज़ तन मन धन का लगाना है, सब कुछ बता दिया है परमात्मा ने। तो जब कोई कलयुग का समय एंड हो, या आप कहें कि ड्रामा का एंड हो रहा होता है, तो उस समय हीरो होता है और विलन होता है। हमें देखना है कि हमें गुणों को इस्तेमाल करके हीरो बनना है कि अवगुणों को इस्तेमाल करके विलन की तरफ जाना है, कौन सी एक्टिंग पसंद है आपको। फिर परमात्मा कहते हैं रहेंगे इसलिए ना स्वयं से कभी भी किसी प्रकार की खिटपिट हो, ना खुद से खिटपिट कि ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम कैसे हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, ये अपने साथ खिटपिट, अपने साथ असंतुष्टता। ना दूसरों के साथ संपर्क में आने से खिट खिट हो, किसी के साथ में आए संपर्क में, उसके चीज़ें, उसके संस्कार, उसकी बोल चाल पसंद नहीं आए, और इधर उधर हम फिर उनसे नफरत करना शुरू करना, या उनके बारे में सोचना गलत, या और को बताना उनके बारे में गलत, खिटखिट हो जाती है। माला बनती ही तब है जब दाना, अभी परमात्मा कह रहे हैं कि उनके गले की माला, उनका कोई गलत तो है नहीं भगवान का, लेकिन परम धाम में हम एक माला के रूप में ऐसे गोल गोल सारी आत्मा जो सेम एनर्जी लेवल, सेम कॉन्शियसनेस की होती है, वो एक साथ रहती है, फिर नेक्स्ट लेवल होता है, फिर नेक्स्ट लेवल होता है, ऐसे ये परम धाम ब्रह्मलोक की बात हो रही है, जिसको माले में अरवाह कहते हैं, जिसको हम ब्रह्मलोक कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, परमात्मा का सुप्रीम अबोर्ड कहते हैं, घर कहते हैं इसको। तो वहाँ पे भी क्या होती है, हम आत्माओं की माला स्वरूप में हम वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे कोई धागा तो नहीं होता है, धागा तो इस धरती पर होता है, ऊपर कोई धागा नहीं होता है, वो सूक्ष्म है। तो माला वहाँ पर कैसे बनती है, जब सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सेम लेवल सोच है, पवित्रता की सोच है, एक सेम लेवल की, वही आत्माएं साथ में पिरोई जाती हैं एक धागे में। कहने का अर्थ क्या है, आत्माओं का सिंबल नीचे हो गया है रोजरी के दाने, रोजरी के जो बीड्स होते हैं ना,
वो आत्मा के सिंबल हैं, और वो आत्मा के सिंबल जो आत्माएं एक साथ में होती हैं, एक ही सेम संस्कार वाली होती हैं, उनको एक रोजरी के रूप में, उनको एक ही रोजरी में बांध दिया जाता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है, इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना है। एक दूसरे के साथ में आप तभी आप रह पाओगे संतुष्ट जब आपके संस्कार मिल रहे होंगे, एक के अंदर बुरे संस्कार एक के अंदर अच्छे संस्कार वो मिल ही नहीं पाएंगे आपस में। तो सेम दिव्य संस्कार हो परमात्मा के जैसे, सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना औरों को भी, तब माला के मणके बनेंगे, खुद से भी संतुष्ट औरों के साथ भी संतुष्ट औरों को भी संतुष्ट करना। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। किसी भी परिवार में आप देखो आप खुद से भी संतुष्ट होते हो, खुशी खुशी रहते हो और को भी आप खुशी बांट देते हो आपकी खुद की खुशी से, लेकिन आप अगर खुद ही संतुष्ट नहीं अपने जीवन से तो फिर आप परिवार में भी थोड़ा सा हलचल लेके आएंगे। ये सब कुछ क्यों होता है, कैसे होता है, और वो रोजरी क्या है, वो दाने क्या है, वो मणका क्या है, वो सारी चीज़ें और संतुष्ट कैसे रहने, सब कुछ ब्रह्मा कुमारी को सिखाया जाता है निःशुल्क। आप भी जाएँ और सीखें वहाँ पर। इसके साथ हम शांति।